सो गाइज, अगर आपके इंस्टाग्राम पे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, इसको कैसे रिजॉल्व करना आज मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपके में ये नहीं आया इंस्टाग्राम पे तो ये आ भी सकता है, वो किस कारण इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आज जान लीजिए ये क्या है और कैसे आता है और किस कारण इसको दिया जाता है इंस्टाग्राम के थ्रू। ये एक इंस्टाग्राम की तरफ से कॉम्प्रोमाइज्ड वार्निंग है जो आपके इंस्टाग्राम में आ सकती है, तो दोस्तों आज इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि आपको पता ही है कि अभी के टाइम में बहुत से लोग इंस्टाग्राम को यूज करो, जब से टिकटॉक बैंड हुआ है उसके बाद लोग इंस्टाग्राम रील्स पे अपनी वीडियो बनाने लगेंगे, जिसके कारण इसमें ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ चुकी है और 70% लोग इसमें ज्यादा ग्रोथ हो चुके हैं जो आजकल बहुत सारे यूज कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा लोग आ चुके हैं जिसके कारण इंस्टाग्राम ने अपनी पॉलिसी को बहुत टाइट कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया और इसके थ्रू अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस और अपने पॉलिसीज को लेकर एकदम स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करते हैं कैसे इसको रिजोल्व करना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले अपना इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं एप्स ब्लास्टर। तो वीडियो में अगर नए तो दोस्तों फटाफट लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल में नए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन मत दबाना भूलना, क्योंकि उसके कारण आपके पास मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को आगे ले आते, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों अब इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाता है और ये प्रॉब्लम आपको दिखने की मिलती है, तो दोस्तों इसमें इंस्टाग्राम ने साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आप अपना अकाउंट का पासवर्ड किसी अनदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में शेयर करते हैं या किसी और थर्ड पार्टी आईडीज या फेक आईडी में शेयर करते हैं, जिसके थ्रू आपके लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ते हैं जो कि एक कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है इंस्टाग्राम के। आपको पता है कि इंस्टाग्राम अब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, जिसके कारण अब इंस्टाग्राम की जो पॉलिसी है एकदम स्ट्रिक्ट हो चुकी है। उसने नई नई पॉलिसी में अपनी पॉलिसी में बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस ला दी है, बहुत सारी चेंजेस ला दी है, जिसके कारण आप फेकनेस में कर ही सकते। अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं ट्राई तो ये आपकी आईडी के लिए बहुत ही खतरा है। तो दोस्तों इसमें आपको और भी बताया गया है, अगर आप अपना पासवर्ड चेंज भी करते हैं, बाय चांस आपने अगर पासवर्ड चेंज भी कर लिया उसके बाद अगर आप अपना इंस्टाग्राम दोबारा से नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, फिर आपने ये ट्रिक दोबारा अपनाई तो आपका जो आईडी अकाउंट होगा जो इंस्टाग्राम का, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम के थ्रू, फिर आप अपने आईडी को नहीं चला सकते दोबारा। तो दोस्तों आपको इसको सबसे पहले क्या करना है, ये आपके लिए फर्स्ट वार्निंग है इंस्टाग्राम के थ्रू। तो आपको इसको बचने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। पासवर्ड आपको कैसे चेंज करना है, जैसे कि नॉर्मली अपने आपको यहाँ पर लिखा गया है कि चेंज पासवर्ड। अब आपको चेंज पासवर्ड में क्लिक करना है, आपको बताऊंगा दो तरीके। एक तरीका ये है, जैसे कि आप अपना पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा, ये देख सकते हैं ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ पर करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपको अपना पासवर्ड करंट पता है तो आप अपना डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आपको फॉरगेट पासवर्ड यहाँ से क्लिक करके क्लिक करना है। अब यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड, जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया है, अब फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर देखो बताएगा कि यहाँ पर जो आपका नंबर अपडेट है उसमें टेक्स्ट मैसेज आएगा, एक वेरिफिकेशन कोड, जिसके थ्रू आप अपने पासवर्ड को न्यू पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपने इस इंस्टाग्राम पे नंबर सेव किया, नंबर अपडेट कर रखा है। एक ये तरीका है। दूसरा ट्रिक मैं आपको दूसरा बताऊंगा, एक और भी दिखा सकता हूं। अगर आपने अपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक से लिंक कर रखा है, फेसबुक को अकाउंट लिंक कर रखा है, तो आपके पास ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा, ये वाला इंटरफेस। अब यहाँ पर भी देखो सेम चीज़ है, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है पुराना वाला तो आप नीचे से यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते, रीसेट कर सकते अपने फेसबुक आईडी के थ्रू। अब जैसे कि मैंने फेसबुक आईडी क्लिक कर दिया, उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने न्यू पासवर्ड डाल दिया, चेंज कर दिया, ऊपर से यहाँ से मेरा पासवर्ड चेंज हो गया। अब यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा, तो सेव करते ही मेरा जो अकाउंट है दोबारा रीलॉगिन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी रीलॉगिन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने इंस्टाग्राम पे अपनी फेसबुक अकाउंट ऐड नहीं किया तो आप फेसबुक अकाउंट ऐड कर लीजिए, जिसके थ्रू आपको पासवर्ड चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका नंबर भी खो गया या नहीं है आपके पास, तो आप फेसबुक के जरिए भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ये रिजॉल्व कर सकते हैं। ये थे दोस्तों इंस्टाग्राम की तरफ से एक प्रॉब्लम।
जो कि हमने अभी रिजॉल्व किए। अगर आपके में ये प्रॉब्लम नहीं आई तो दोस्तों आ सकती है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों उससे बचने के लिए आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। आप अकाउंट में जाके कर सकते हैं, सेटिंग में जाके, अकाउंट में जाके, अपने प्राइवेसी में जाके, सिक्योरिटी में जाके कर सकते हैं इसको रीसेट। तो दोस्तों होप करता हूं आपको समझ में आ गया। ऐसे ही इंस्टाग्राम की नई नई ट्रिक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो फटाफट मुझे कमेंट करना दोस्तों, और नए नए एप्लीकेशन के बारे में और जानना है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय, सी यू, टाटा।